संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः, संभवे गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं अपने गुरु देवाधिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, आए हुए जितने गुरु भाई गुरु बहन और जो नहीं आए उनको भी प्रणाम करता हूँ, और तमाम श्रोतागण को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकारो। क्योंकि शिव चर्चा परिचर्चा एक आध्यात्मिक चर्चा है, यहाँ गुरु और शिष्य के संबंध में बात की जाती है। आज के इस कलिकाल में भगवान शिव महेश्वर महाकाल गुरु भी हो रहे हैं, तो जिन लोगों ने अब तक भगवान शिव महेश्वर महाकाल को गुरु रूप में नहीं अपनाए हैं उनसे मेरी नम्र निवेदन है कि भगवान शिव गुरु भी हो रहे हैं, उनको गुरु बना लीजिए। भाई भाई साहब, हमने शिव को गुरु बनाया है, हमने आजमाया है, हमने जांचा है, हमने परखा है, आप भी शिव को गुरु बना के देखिए। जैसे हमारे जीवन में कमल खिला है, ऐसे आपके भी जीवन में कमल खिलेगा। देखिए, शिव अनादि काल से गुरु हैं और गुरु हैं और गुरु रहेंगे। शिव को गुरु देवताओं ने भी बनाए थे, देवता लोग, देवताओं ने भी शिव को गुरु माने थे, बनाए थे, लेकिन उन्होंने क्या किए ये हम जनमानस को नहीं बताए। उन्होंने अपने तक सीमित रखा, ये बहुत विडंबना की बात है कि उन्होंने खुद तो भगवान शिव को गुरु बना लिए लेकिन हम जनमानस तक इस बात को पहुंचाए नहीं। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य हमारे साहब जी हैं, हरिंदर भैया जी। जब उन्होंने शिव को गुरु बनाए तो उनको लगा कि परिणामदायी गुरु है, परिणाम देते हैं, तो उन्होंने 8 महीने के बाद, 8 महीने तक उन्होंने किसी को बताया नहीं कि हमने शिव को गुरु बनाया है। 8 महीने के बाद उन्होंने अपने पत्नी धर्म पत्नी जिनको हम दीदी नीलम कहते हैं उनको बताए कि हमने शिव को गुरु बनाया है और शिव वाकई में गुरु के काम करते हैं, गुरु परिणाम देते हैं, परिणामदायी गुरु हैं। तो उन्होंने दीदी नीलम जी ने बोली कि जब आपने शिव को गुरु बना ही लिया है और गुरु परिणामदायी गुरु हैं, परिणाम देते हैं, तो क्यों ना इस बात को जन जन तक पहुंचाया जाए। तो हम आप सुनते हैं कभी भजन के माध्यम से कि साहब हरिंदर शिव को गुरु बनाए और दीदी नीलम जन जन को बताए। तो आज इस कलिकाल में 5 करोड़ से अधिक शिव शिष्य हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने
जिन बहन भाइयों ने अब तक शिव को गुरु नहीं बनाए हैं उनसे मेरी नम्र निवेदन है कि भगवान शिव गुरु भी हो रहे हैं और इस कालखंड में इस जनमानस में मनुष्य के गुरु शिव हो रहे हैं ये हमारे आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो आइए जिन्होंने शिव को गुरु नहीं बनाया है उनसे मेरी नम्र निवेदन है कि शिव गुरु भी हो रहे भाई साहब शिव को गुरु बना लीजिए हमारे जीवन में कमल खिला है आपके भी जीवन में कमल खिलेगा। हम पे दया हुई है आप पे भी दया आप भी दया के पात्र बन सकते हैं। सिर्फ शिव को गुरु बनाने के लिए तीन विधा दिया गया है तीन तरीका जिसको तीन सूत्र कहा जाता है। सबसे पहले में है अपने गुरु शिव से दया मांगना हे शिव आप मेरे गुरु हो मैं आपका शिष्य हूँ बहन कहेंगे शिष्या हूँ मुझ शिष्य पर या शिष्या पर दया कर दीजिए। और दूसरा में है अपने गुरु शिव की बातें करना जैसे हम अब कहीं जाते हैं एक अनजान व्यक्ति से मिलते हैं उनसे दो चार बात हम आप कर ही लेते हैं। कुछ लोग मिलते हैं बस में टेम्पो में थ्री व्हीलर में कहीं भी रिक्शे में रास्ते में वहां भी अपने गुरु की बातें कर सकते हैं। ये भाई अपने महादेव को गुरु बनाया। इसी तरीके से हमने गुरु बनाया है मुझे गुरु परिणाम देते हैं मेरे ऊपर दया उतरी है आप भी बना के देखिए। इसे कहा गया शिव चर्चा जो हम आप गुरु की बातें करते हैं यही चर्चा है। और जब हम आप शिव को गुरु बना ही लिए हैं तो नमन भी जरूरी है प्रणाम भी जरूरी है। तो नमः शिवाय से अपने गुरु के प्रणाम निवेदित कर सकते हैं। इन्हीं चंद पानी के साथ मैं अपने पानी को विराम देता हूं और पुनः सभी गुरु भाई गुरु बहन और श्रोतागण को प्रणाम करता हूं मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बोली शंकर।